कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी प्रणाम। हरे कृष्णा, मेरी आवाज आ रही है सबको? हाँ जी आ रही है प्रभु जी, आ रही है ना। तो इसका होस्ट कौन है जो ये चला रहे हैं? आशुतोष प्रभु है। जयशंकर प्रभु जी है, जयशंकर चार। जयशंकर प्रभु है, जयशंकर प्रभु इसके होस्ट हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। सती सलाना प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, मैं आपको मैं भी करा देता हूँ, अभी एडमिट बना देता हूँ, को एडमिट बना देता हूँ प्रभु जी। नहीं, इसमें अगर पीपीटी चलाना हो तो चल जाएगा यहाँ से? हाँ प्रभु, चल जाएगा। आप को होस्ट बनाओगे ना? आप जो भी नए आएंगे वो तो आप ज्वाइन कराओगे सबको? हाँ जी, हाँ जी प्रभु जी। मुझे बीच में दिक्कत ना हो, बस ये है। आप इसमें स्क्रीन हो सकता है, स्क्रीन तेरी हो जाएगा। फोटो पूरी नहीं आएगी, हो सब ठीक है। हरे कृष्ण, धन्यवाद प्रभु जी। प्रभु जी, अगर आप चाहें तो इसका अपना डॉक्यूमेंट भेज सकते हैं, अदरवाइज आप शेयर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं हो जाएगा। हाँ, को होस्ट हो गए ना हम लोग। हाँ, अच्छा ये रिकॉर्ड भी हो रहा है, ये वीडियो रिकॉर्ड होगा ना? जी प्रभु जी, ये इस्कॉन सरोजनगर जो यूट्यूब चैनल है वहाँ रिकॉर्ड हो जाएगा ना, ये सेव रहेगा? जी बिल्कुल, तो हमें रिकॉर्ड करने की आवश्यकता नहीं है। नहीं प्रभु जी, हम आपको शेयर कर देंगे। अच्छा ठीक है, हम ऑडियो रिकॉर्ड कर लेंगे ना, उसकी ऑडियो बाद मर्ज कर लेंगे। ठीक है, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, आज जो है बहुत समय चला गया। साढ़े पांच तो आप लोग को दिख रहा है स्क्रीन? अरे बोल रही, दिख रहा है ना स्क्रीन में? हरी बोल प्रभु जी, दिख रहा है, दिख रहा है। ठीक है, हरे कृष्णा। तो आप सब भक्तों का हार्दिक स्वागत करते हैं आज के इस कक्षा में। कितनी देर लेना क्लास प्रभु, कौन है? हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ जी, कितना टाइम? साढ़े छह बजे तक है, 7 बजे तक आरती वगैरह करके खत्म करना है। अच्छा अच्छा, तो 6:30 बजे तक है, आप 1 घंटा कर सकते हैं प्रभु। ठीक है, बहुत अच्छा है। ज्यादा कर सकते हैं तो ज्यादा करिए, बैठेंगे लोग। ज्यादा तो नहीं हो पाएगा, ज्यादा नहीं, आज फिर वो समय भी नहीं हुआ, और हमने जो पावर पॉइंट बनाया वो अभी जस्ट 10 मिनट पहले बनाया है, तो समय नहीं है उतना। ठीक है, तो आज जो है हरे कृष्ण, तो आज बहुत विशेष दिवस है, आज गुंडीचा मंदिर मार्जन का दिवस है। आप लोग सामने देख रहे हैं, लिखा हुआ है गुंडीचा मंदिर मार्जन। तो गुंडीचा मंदिर मार्जन जो है गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में बहुत ही महत्वपूर्ण उत्सव है। स्वयं भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने इस उत्सव को प्रारंभ किया था। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन की पूजा का आरंभ किया था वृंदावन में, उसी प्रकार श्री चैतन्य महाप्रभु जी ने गुंडीचा मंदिर मार्जन का जो उत्सव है उसको प्रारंभ किया था। तो गुंडीचा मंदिर मार्जन ये है क्या वास्तव में?
इसका वर्णन चैतन्य चरितामृत मध्य लीला अध्याय 12 में कृष्णदास कविराज गोस्वामी बड़े विस्तार से इसका वर्णन करते हैं कि गुंडीचा मंदिर मार्जन, उस अध्याय का नाम ही है गुंडीचा मंदिर मार्जन। तो गुंडीचा शब्द शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी चैतन्य चरितामृत के अपने अनुभाष्य में वर्णन करते हैं कि गुंडीचा जो शब्द है वो सतयुग में राजा इंद्र द्युम्न हुए थे, उनकी पत्नी का नाम था गुंडीचा, इसीलिए जो है इस स्थान का नाम क्या है गुंडीचा मंदिर, उनकी पत्नी के नाम से जो है उस मंदिर का नाम पड़ गया गुंडीचा मंदिर। तो गुंडीचा मंदिर की तुलना जो है वृंदावन से किया गया है, जगन्नाथपुरी धाम में यह गुंडीचा मंदिर स्थित है और उस क्षेत्र की तुलना, उस मंदिर की तुलना वृंदावन धाम से किया गया है और जिस स्थान में भगवान जगन्नाथ जी विराजमान रहते हैं वह स्थान है सुंदरांचल, यानी उस वह स्थान है नीलांचल, नीलांचल पर भगवान जगन्नाथ जी विराजमान है, उस स्थान की तुलना द्वारिका या कुरुक्षेत्र से किया गया है। तो भगवान श्री जगन्नाथ जी जो है द्वारिका धाम में यानी नीलांचल धाम में रह रहे हैं और वृंदावन की उनको बहुत याद आती है, ब्रज भूमि की उनको बहुत याद आती है। तो द्वारिका धाम से जो है यानी नीलांचल क्षेत्र से कल वह रथ में सवार होकर गुंडीचा मंदिर की ओर जाएंगे, अर्थात वृंदावन में ब्रजवासियों से मिलने के लिए जाएंगे, गोपियों से मिलने जाएंगे, अपने सखाओं से, अपने मैया बाबा से मिलने जाएंगे, भगवान श्री कृष्ण जगन्नाथ जी के रूप में रथ पर विराजमान होकर। तो रथ यात्रा का जो गूढ़ भाव है, रथ यात्रा का जो मुख्य भाव गौड़ीय वैष्णव आचार्यों ने विशेषकर चैतन्य महाप्रभु और उनके जो अनुगत जन हैं उन्होंने रथ यात्रा के भावों को या रथ यात्रा किस भाव में बनाई जाती है इसका बड़े विस्तार से वर्णन किया। तो रथ यात्रा का जो मूल भाव यही है कि भगवान श्री कृष्ण को द्वारिका से वृंदावन की ओर ले जाना, अर्थात भगवान श्री कृष्ण को अपने हृदय रूपी वृंदावन में लाना, खींचकर, यही रथ यात्रा का मूल भाव है जो गौड़ीय वैष्णव आचार्यों ने और चैतन्य महाप्रभु ने इन विचारों को प्रकट किया है। यद्यपि जगन्नाथपुरी धाम जो है ऐश्वर्य का धाम है और द्वारिका से उसकी तुलना कर रखी है और जगन्नाथपुरी की बहुत महिमा है, भारत के चार धामों में प्रमुख धाम है जगन्नाथपुरी, तो साक्षात जगन्नाथ जी वहां पर अपने भाई बलभद्र और अपनी बहन सुभद्रा जी के संग विराजमान रहते हैं और जगत वासियों पर अपने कृपा का वर्षण कर रहे हैं और सब पतित जीवात्माओं का उद्धार कर रहे हैं अपना दर्शन देकर और अपने प्रसाद के माध्यम से सभी को जो है पूर्ण लाभ होता है। जगन्नाथपुरी में सुकृति सबको प्राप्त होती है भगवान जगन्नाथ जी का प्रसाद ग्रहण करके, और इस प्रकार भगवान जगन्नाथ जी जो हैं बड़े करुण हैं, बड़े दयालु हैं, सब जीवों पर दया करते हैं, सारे जगत के स्वामी हैं, इसीलिए उनका नाम क्या है जगन्नाथ, जो सारे जगत के नाथ हैं, जो संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड के एकमात्र ईश्वर हैं, वे हैं जगन्नाथ। तो जगन्नाथपुरी गौड़ीय वैष्णव के लिए महत्वपूर्ण नहीं है ज्यादा, क्योंकि जगन्नाथपुरी जो है द्वारिका धाम से उसकी तुलना कर रखी है और जगन्नाथपुरी ऐश्वर्य की भूमि है और गौड़ीय वैष्णव जन जो है माधुर्य की भूमि वृंदावन धाम जाना पसंद करते हैं। माधुर्य धाम वृंदावन ही गौड़ीय वैष्णव को प्रिय है और ब्रज भूमि ही गौड़ीय वैष्णव का एकमात्र लक्ष्य है,
इसीलिए चैतन्य महाप्रभु का यही विचार है कि आराध्यो भगवान ब्रजेश तनयस तद्धाम वृंदावनम, कि हमारे एकमात्र जो इष्ट देव हैं वे कौन हैं? वो श्याम सुंदर कृष्ण हैं, ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर ही हमारे एकमात्र आराध्य और इष्ट देव हैं। और तद्धाम वृंदावनम, ब्रज भूमि ही हमारे लिए एकमात्र लक्ष्य है, वास करने योग्य है और वही हमारा सर्वस्व है। ये गौड़ीय वैष्णव का भाव होता है। तो जब चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास लिया 24 वर्ष की उम्र में अपने बूढ़ी मैया सची देवी को और युवा पत्नी को उन्होंने त्यागा और संन्यास ग्रहण किया, तो सची मैया ने उनको आदेश दिया, यद्यपि चैतन्य महाप्रभु तो संन्यास लेने के बाद वृंदावन आना चाहते थे, ब्रज में रहना चाहते थे, लेकिन उनकी मैया सची देवी ने उनको आदेश भी दिया और निवेदन भी किया कि हे पुत्र, हे निमाई, आप जो हैं संन्यास तो ले ली हो, आप क्या करो, जगन्नाथपुरी में वास करो, क्योंकि हम यहाँ से हर वर्ष जो हैं जगन्नाथपुरी जाते हैं जगन्नाथ जी की रथ यात्रा में सम्मिलित होने के लिए। तो हर वर्ष जो है बंगाल के भक्त लोग जगन्नाथपुरी जाते हैं, तो इस प्रकार आप जगन्नाथपुरी में रहेंगे तो आपकी मुझे खबर सूचना मिलती रहेगी, इसीलिए आपसे निवेदन है कि आप क्या करो, जगन्नाथपुरी में ही वास करो। और बंगाल से नवद्वीप से जो है जगन्नाथपुरी ज्यादा दूर नहीं है, वृंदावन काफी दूर है और वृंदावन आना जाना हो नहीं पाएगा, इसीलिए आपकी सूचना आपकी कुशलता मुझ तक नहीं पहुंच पाएगी, इसीलिए आप क्या करो, जगन्नाथपुरी में वास करो। तो सची मैया के आदेश अनुसार उनकी आज्ञा का पालन करते हुए भगवान चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में रहना स्वीकार किए। तो चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में 18 वर्षों तक रहे। तो जगन्नाथपुरी धाम गौड़ीय वैष्णव के लिए इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि वहां पर हमारे चैतन्य महाप्रभु 18 वर्षों तक रहे हैं और उन्होंने वहां पर अपनी दिव्य लीलाएं संपन्न की हैं, विशेषकर राधा रानी के भावों का वहां पर उन्होंने आस्वादन किया है। तो जगन्नाथपुरी में गंभीरा में एक स्थान है, जगन्नाथपुरी के अंतर्गत काशी मिश्र का जो घर है उस स्थान का नाम है गंभीरा। तो वहां पर चैतन्य महाप्रभु गंभीर भावों का आस्वादन करते थे स्वरूप दामोदर और रामानंद राय के संग में। तो इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु राधा भाव में निमग्न रहकर जगन्नाथपुरी में रहे 18 वर्षों तक और भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा में बड़े उत्साहित होकर चैतन्य महाप्रभु सम्मिलित होते थे। तो हम लोग इसीलिए जगन्नाथपुरी को इतना महत्वपूर्ण देते हैं क्योंकि चैतन्य महाप्रभु गौड़ीय भक्तजन वहां पर रहे हैं और जगन्नाथ जी तो साक्षात श्याम सुंदर ही हैं। जय गौर सेई कृष्ण सेई जगन्नाथ, जो गौरांग महाप्रभु हैं वही कृष्ण हैं और वही जगन्नाथ हैं। तो जगन्नाथ जी ब्रज के विरह भाव में निमग्न हैं, ब्रज के भाव में जो हैं उनकी बड़ी बड़ी आंखें हो गई हैं, हाथ संकुचित हो गए हैं और इस प्रकार ब्रज के भाव में निमग्न रहते हैं, ब्रज के भाव में डूब जाते हैं भगवान कृष्ण। जब वृंदावन में ब्रज भाव में जब विभावित होते हैं भगवान कृष्ण तो उनका स्वरूप जगन्नाथ जी का बन जाता है। और जब भगवान कृष्ण स्वयं अपनी कथाओं को सुनते हैं श्रवण करते हैं तो तब भी उनका स्वरूप जगन्नाथ जी का बन जाता है। तो इस प्रकार भगवान कृष्ण भी जो है अपनी कथाएं सुनने के बाद जगन्नाथ जी के स्वरूप में प्रकटित हो गए। रोहिणी मैया के मुख से जब भगवान कृष्ण ने वृंदावन की लीलाओं का वर्णन सुना, अपनी ही ब्रज की लीलाओं का वर्णन सुना कि कैसे भगवान कृष्ण वृंदावन में
ब्रजवासियों से प्रेम करते थे, कैसे गोपियों के संग रास नृत्य करते थे, कैसे माखन चुराते थे, कैसे दामोदर लीला उन्होंने किया था, कैसे उखल से बंधे थे। इन सब लीलाओं को जब रोहिणी मैया ने बड़े भावपूर्ण तरीके से सुनाया तो भगवान कृष्ण ने अपनी लीलाओं को श्रवण करके ब्रज के भाव में इतने निमग्न हो गए द्वारिकाधीश कृष्ण कि वो जगन्नाथ जी के रूप में प्रकट हो गए। तो जगन्नाथ जी का जो आप स्वरूप देखते हो वो भगवान कृष्ण का ब्रज भाव में डूबने के कारण उनका ऐसा स्वरूप जगत में प्रकटित हुआ है। तो जगन्नाथ जी कैसे प्रकट हुए ये सब आप लोग जानते हो, और कल जगन्नाथ रथ यात्रा है, बहुत ही शुभ दिवस है। आज जो है गुंडीचा मंदिर मार्जन का दिन है, आज ही बहुत शुभ दिवस है। तो गुंडीचा मंदिर मार्जन जो है एक दिन की लीला नहीं है, ये तो सनातन लीला है, हमेशा की लीला है। एक दिन करने से गुंडीचा मंदिर मार्जन नहीं होगा। आप अगर किसी स्थान को साफ करते हो तो एक बार करके छोड़ नहीं देते हो, उसको नित्य साफ रखना पड़ता है, बार बार साफ करना पड़ता है। तो उसी प्रकार गुंडीचा मंदिर मार्जन भी एक दिन की लीला नहीं है, उसको भी बार बार साफ करना पड़ेगा। मतलब गुंडीचा मंदिर मार्जन का तात्पर्य क्या है, इसको हमारे आचार्यों ने समझाया। तो आप चैतन्य चरितामृत में जो है पढ़ते हो गुंडीचा मंदिर मार्जन के विषय में, तो यद्यपि कविराज गोस्वामी जो है चैतन्य महाप्रभु की गुंडीचा मंदिर मार्जन लीला का वर्णन करने से पहले चैतन्य महाप्रभु को प्रणाम करते हैं। कैसे वाले चैतन्य महाप्रभु को प्रणाम कर रहे हैं, वो लिखते हैं श्री गुंडीचा मंदिरम आत्म वृंदे सम्मार्जयन छालंतः स गौरः स्वचित्त वक्षितल मुज्ज्वलं च कृष्णोपवेश पैकं चकार। कविराज गोस्वामी वर्णन करते हैं, श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपने भक्तों और संगियों के साथ गुंडीचा मंदिर को धोया तथा उसकी सफाई की, और इस तरह उन्होंने मंदिर को अपने हृदय के समान शीतल और उज्जवल बना दिया, जिससे वह श्री कृष्ण के बैठने के लिए अनुकूल स्थान बना सके। तो कविराज गोस्वामी जो है ऐसे वाले चैतन्य महापुरुष को प्रणाम कर रहे हैं जिन्होंने गुंडीचा मंदिर मार्जन किया, यानी गुंडीचा मंदिर को ऐसे धोया, इतना उसको चमका दिया जैसे चैतन्य महापुरुष का हृदय निर्मल और स्वच्छ है, वैसा ही उन्होंने गुंडीचा मंदिर को भी स्वच्छ और निर्मल बना दिया। तो चैतन्य महाप्रभु साक्षात भगवान है, ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर है, उनका हृदय तो हर समय निर्मल है, स्वच्छ है, और गुंडीचा मंदिर को भी उन्होंने ऐसे ही स्वच्छ और निर्मल। तो कविराज गोस्वामी कहते हैं कि मैं चैतन्य महाप्रभु की इन लीलाओं का वर्णन करने की शक्ति मांगता हूं। श्रीवास ठाकुर और अन्य भक्तों से जो है कविराज गोस्वामी प्रार्थना कर रहे हैं कि मैं चैतन्य महाप्रभु की गुंडीचा मंदिर मार्जन लीला का वर्णन कर सकूं। तो ये सब बहुत लंबा विषय है और इस पर हम डिटेल में चर्चा नहीं करेंगे, कुछ विचार हम आपको बताने का प्रयास करेंगे, जिसमें गुंडीचा मंदिर मार्जन चैतन्य महाप्रभु के पहले भी होता था। जब भगवान चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में नहीं थे तब भी गुंडीचा मंदिर मार्जन होता था, ऐसा नहीं कि नहीं होता था, लेकिन उस समय जो राजा के सैनिक लोग थे, जो राजा के नौकर लोग थे, वे लोग मिलकर जो है गुंडीचा मंदिर मार्जन करते थे।
वे लोग राजा के जो नौकर हैं, राजा के जो सैनिक थे, वे लोग गुंडीचा मंदिर का मार्जन किया करते थे और ज्यादा ध्यान से नहीं करते थे, अच्छे से नहीं करते थे, क्योंकि वेतन के बल पर जो है उनको कुछ तनख्वाह मिलती थी, कुछ पैसे मिलते थे, इसीलिए वो गुंडीचा मंदिर का सफाई किया करते थे। तो उतने ध्यान पूर्वक, उतने गंभीरता से, भक्ति भाव से जो है सफाई नहीं करते थे। तो सफाई तो चलती थी लेकिन भक्ति भाव से नहीं। इसीलिए शास्त्रों में कहा गया है, चैतन्य महाप्रभु ने यद्यपि झाड़ू मारना तुच्छ कार्य बतलाया गया है शास्त्रों में, मतलब निम्न सेवा, निम्न कार्य बताया है शास्त्रों में झाड़ू मारना, लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने इस सेवा को करने का विचार किया। क्यों किया? क्योंकि जगन्नाथ जी कौन है? जगन्नाथ जी हमारे हैं, जगन्नाथ जी हमारे प्रभु, हमारे इष्ट, हमारे प्राणनाथ हैं। तो उनकी सेवा भी कौन करेगा? उनकी सेवा भी हम ही करेंगे, कोई दूसरा तो करेगा नहीं। दूसरी सेवाएं तो जो हैं नौकर और अन्य लोगों के माध्यम से हम करा सकते हैं कुछ पैसे देकर, लेकिन भगवान के मंदिर की सेवा, भगवान के विग्रह की सेवा हम पैसे देकर या अन्य लोगों से नहीं करा सकते हैं। भगवान की सेवा, भगवान के मंदिर का मार्जन, उनके विग्रह की सेवा उनके जो भक्त जन हैं वही करेंगे। तो चैतन्य महाप्रभु ने यही विचार किया कि मेरे प्राण प्रिय जगन्नाथ जी तो मेरे हैं, और वो जिस स्थान में जाने वाले हैं, गुंडीचा मंदिर में रहेंगे, वो रथ यात्रा, कल रथ यात्रा में कल रथ के ऊपर बैठेंगे और गुंडीचा मंदिर जाएंगे, तो क्यों ना हम उनके स्वागत के लिए, क्यों ना उस मंदिर को हम साफ करें स्वयं। तो चैतन्य महाप्रभु ने जो है वहां के जो राजा थे उनके राजगुरु से यह निवेदन किया कि आप राजा को जाके बोलिए कि मैं इस बार जो है हम लोग मिलकर, हम सभी भक्त लोग मिलकर गुंडीचा मंदिर का मार्जन करेंगे, आप यह खबर राजा को दीजिए और उनसे साफ सफाई करने का जितना भी सामान है उसकी व्यवस्था करने का भी जो है निवेदन कीजिए। तो चैतन्य महाप्रभु ने जो है राजा के जो राजगुरु हैं उनको यह सुझाव दिया, यह संदेश भिजवाया। तो प्रताप रुद्र के पास जब यह संदेश पहुंचा तो प्रताप रुद्र जो है बड़े दुखी हुए। उन्होंने कहा चैतन्य महाप्रभु तो मेरे प्रभु हैं, वो जगत के पूजनीय हैं, वो ये काम क्यों करेंगे, वो इतने तुच्छ सेवा क्यों करेंगे। उनके मन में यह विचार आया और उन्होंने कहा कि ये काम तो मेरे नौकर सैनिक ही कर लेंगे। तब भी जो है चैतन्य महाप्रभु ने कहा है तो उनकी प्रसन्नता के लिए मरे मन से जो है उन्होंने इस बात को स्वीकार किया। राजा प्रताप, वहां के जो उस समय के राजा थे उन्होंने स्वीकार किया, या राजा प्रताप रुद्र ने स्वीकार किया। तो इस प्रकार उन्होंने कई घड़े भेजे। आप आज मंदिर साफ करते हो तो वाइपर का प्रयोग करते हो और अन्य चीजों का प्रयोग करते हो, तब वाइपर नहीं हुआ करते थे और तब सिंपल झाड़ू होते थे और घड़े, घड़ों में पानी भर के लाना पड़ता था। तो राजा ने जो है सैकड़ों घड़ों की व्यवस्था की और सैकड़ों झाड़ू की व्यवस्था की, अच्छे अच्छे झाड़ू की व्यवस्था की जिससे मंदिर अच्छे से साफ हो सके। तो सारी व्यवस्थाएं राजा के द्वारा की गई और चैतन्य महाप्रभु को वो सारा सामान दे दिया गया और चैतन्य महाप्रभु ने सभी भक्तों को झाड़ू पकड़ाया और घड़े पकड़ाए। इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु आज के दिन सवेरे सवेरे सुबह सुबह जो है उठे और अपने भक्तों को सबको प्रणाम कर रहे हैं। नित्यानंद प्रभु को चैतन्य महाप्रभु प्रणाम कर रहे हैं, सबको चंदन लगा रहे हैं, सबके गले में माला पहना रहे हैं स्वयं चैतन्य महाप्रभु।
और हरि नाम कीर्तन कर रहे हैं, कृष्ण कृष्ण जोर जोर से उच्चारित कर रहे हैं भगवान श्री चैतन्य देव। तो अपने भक्तों को चंदन लगाना, अपने भक्तों के गले में माला पहना रहे हैं, सबसे वरिष्ठ हैं, सबके पूजनीय हैं, गुरु तुल्य हैं, तब भी अन्य भक्तों को प्रणाम करते हैं, अन्य भक्तों को चंदन और माला पहनाते हैं। क्यों? क्योंकि चैतन्य महाप्रभु जो हैं राधा रानी के भाव में निमग्न हैं। वो जैसे राधा रानी होती हैं, राधिका जी कृष्ण की सेवा करती है, यदि कोई कृष्ण की सेवा करने में श्रीमती राधा रानी की सहायता करे तो राधिका जी उस भक्त की ऋणी हो जाती है। उस भक्त को जो है, उस भक्त के ऊपर राधिका जी बहुत प्रसन्न होती है और उसकी चिर ऋणी बन जाती है। मान लिया राधिका जी जैसे कृष्ण के लिए कुछ भोजन बना रही है, तो उस समय कुछ अन्य सखियों ने मान लिया सब्जी काटने में या कुछ अन्य चीजों में राधिका जी की सहायता कर दी, तो राधिका जी उस सखी के प्रति बहुत प्रसन्न होती है, उसका या उसकी ऋणी बन जाएगी श्रीमती राधा रानी। तो राधिका जी को बहुत प्रसन्नता होती है जब कोई अन्य व्यक्ति कृष्ण की सेवा करने में उनकी सहायता करते हैं। तो उसी प्रकार चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान हैं, राधा रानी के भाव लेकर आए हैं, राधिका जी के भाव में निमग्न होकर गुंडीचा मंदिर मार्जन की ओर जाएंगे कि मेरे प्राण प्रिय जगन्नाथ श्याम सुंदर आएंगे और उनके लिए मैं मंदिर को जो है स्वच्छ करूंगी। इस भाव में चैतन्य महाप्रभु आज के दिन गुंडीचा मंदिर की ओर कूच करते हैं और अपने भक्तों को इसीलिए सम्मान दे रहे हैं, अन्य लोगों अन्य भक्तों की महिमा को गा रहे हैं, उनको चंदन लगाते हैं, उनके गले में माला पहनाते हैं। क्यों पहनाते हैं? क्योंकि वो चैतन्य महाप्रभु की इस सेवा में क्या कर रहे हैं, सहायता कर रहे हैं, इसीलिए चैतन्य महाप्रभु इन सब पर प्रसन्न हैं और सब मिलजुल कर आज गुंडीचा मंदिर की ओर जाएंगे और गुंडीचा मंदिर की सफाई करेंगे। तो भगवान जगन्नाथ जी कल रथ पर सवार होंगे और इस प्रकार गुंडीचा मंदिर में विश्राम करेंगे, इसलिए चैतन्य महाप्रभु गुंडीचा मंदिर की सफाई करने के लिए आज के दिन निकलते हैं। तो कविराज गोस्वामी ने बहुत विस्तार से इसका वर्णन किया है चैतन्य चरितामृत में, तो मैं पूरे विस्तार से इस लीला का वर्णन नहीं करूंगा। और वहां पहुंचकर जो है चैतन्य महाप्रभु ने बड़े अच्छे से शुरुआत में खुद झाड़ू से साफ किया पूरे मंदिर को और अपने भक्तों को आदेश दिया कि अच्छे से साफ करना, सब मुझे दिखाना कि किसने कितने कंकड़ पत्थर बालू मिट्टी उठाई, सब मुझको दिखाना, नहीं तो कोई ठग देगा कि कोई ऐसे बैठा रहेगा कि मैं भी साफ कर रहा हूं। तो चैतन्य महाप्रभु चेक करना चाह रहे हैं कि कोई खाली ना बैठे, कोई आलसी ना बने, सब लोग जो है मिलकर जो है मंदिर का मार्जन करें। इसलिए चैतन्य महाप्रभु सबको कहते हैं कि सब मुझे दिखाइएगा। तो इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु को दिखाते हैं भक्त लोग कि मैंने इतना साफ किया, इन्होंने इतना साफ किया। तो सफाई बहुत करते हैं चैतन्य महाप्रभु के भक्तजन, कुछ भक्त बहुत ज्यादा साफ करते हैं, कुछ कम कर रहे हैं, कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो चैतन्य महाप्रभु उन पर प्रसन्न होते हैं जो बहुत अच्छे से साफ कर रहे हैं, बहुत ज्यादा सफाई कर रहे हैं, उन पर विशेष प्रसन्न होते हैं, और जो नहीं साफ कर पा रहे हैं उनको डांट मारते हैं प्रेम से कि तुम भी अच्छे से साफ करो। और उन लोगों को जो अच्छे से साफ कर रहे हैं उनको कहते हैं कि इन लोगों को भी सिखाओ कैसे सफाई की जाती है। तो ये सब चैतन्य चरितामृत में कविराज गोस्वामी बड़े विस्तार से वर्णन करते हैं। तो एक बार पूरा मंदिर साफ हो जाता है और खाली साफ नहीं कर रहे, खाली झाड़ू ही नहीं मार रहे हैं, साथ में भगवान कृष्ण के नामों का कीर्तन भी कर रहे हैं, हरि बोल हरि बोल, कृष्ण कृष्ण
नामों का उच्चारण करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि कोई भी कर्म अगर संकीर्तन के बिना, नाम के बिना किया जाए तो वो भक्ति नहीं कहलाती है, वो केवल एक सामान्य कर्म कहलाएगा। उससे कुछ पुण्य, कुछ सुकृति हमको मिल सकती है, लेकिन हमको भक्ति की प्राप्ति नहीं होगी। इसलिए चैतन्य महाप्रभु अपने आदर्श से जो है हम जगत वासियों को शिक्षा देते हैं कि आप कोई भी कार्य करो लेकिन साथ में भगवान का नाम कीर्तन अवश्य करो। तो चैतन्य महाप्रभु मंदिर मार्जन करते समय भी कृष्ण कृष्ण नामों का उच्चारण कर रहे हैं। वो तो राधा रानी के भाव में हैं, राधिका जी के भाव में निमग्न होकर अपने प्राण प्रिय कृष्ण का नाम ले रहे हैं। तो अन्य भक्ति भी जो है उन्हीं का ही अनुगत्य करते हैं। सभी भक्त जो है कृष्ण कृष्ण बोलते बोलते झाड़ू मारते हैं, मंदिर का मार्जन करते हैं। तो ये एक प्रकार की हमारे लिए शिक्षा है कि हम जो भी कार्य करें, जगत में हो चाहे मंदिर में हो, कोई भी कार्य करें, तो उसमें हमको साथ में संकीर्तन, भगवान के नाम का कीर्तन अवश्य करना चाहिए। तभी वह कार्य भक्ति में उसकी गणना होगी उस कार्य की, नहीं तो एक सामान्य कर्म बन के रह जाएगा। इसीलिए भगवान के कीर्तन के साथ हमको ये सब कार्य करने चाहिए। और फिर सफाई हो गई, उसके पश्चात कुछ दाग धब्बे रह गए तो उनकी सफाई के लिए फिर घड़ों में पानी लाया गया, सैकड़ों घड़ों पानी से जो है उस मंदिर का मार्जन किया गया। तब भी चैतन्य महापुरुष संतुष्ट नहीं हुए, फिर उन्होंने दोबारा सफाई करवाई, फिर अपने उत्तरीय से उन्होंने खुद रगड़ रगड़ के साफ किया, वहां के कंकड़ पत्थर दाग धब्बे अच्छे से साफ किया चैतन्य महाप्रभु ने। तो इस प्रकार गुंडीचा मंदिर मार्जन हुआ है। आज के दिन बहुत ही शुभ दिन है और आप लोग चैतन्य चरितामृत में इसका बड़े विस्तार से वर्णन या इसको पढ़ सकते हैं, और भी विस्तार से जानना हो तो। गुंडीचा मंदिर मार्जन का जो तात्पर्य है वो शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी ने चैतन्य चरितामृत के अपने अनुभाष्य में गुंडीचा मंदिर का जो तात्पर्य है उसके विषय में उन्होंने बड़े विस्तार से वर्णन किया है कि वास्तव में चैतन्य महाप्रभु ने गुंडीचा मंदिर मार्जन की लीला से हमको क्या शिक्षा दिया है। इस विषय में शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद बड़े विस्तार से वर्णन करते हैं और वो बताते हैं कि गुंडीचा मंदिर मार्जन का जो तात्पर्य है वो क्या है। अपने हृदय रूपी मंदिर का मार्जन करना, यानी साधक जो है क्या करें, अपने हृदय रूपी मंदिर का मार्जन करें। और जब हृदय रूपी मंदिर का मार्जन होगा तब उस हृदय रूपी सिंहासन पर भगवान जगन्नाथ देव, भगवान श्याम सुंदर विराजमान हो पाएंगे। अगर हृदय रूपी मंदिर स्वच्छ नहीं है तो फिर उस हृदय में भगवान नहीं आ पाएंगे। ऐसा हमारे आचार्य विशेषकर शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी बतलाते हैं कि गुंडीचा मंदिर का वास्तविक कि अपने हृदय रूपी मंदिर का मार्जन करना। तो जो मायाबद्ध जीव है उसकी बहुत सारी कमियां होती हैं। इस संसार में हम लोग सब बद्ध जीव हैं, हमारे हृदय में, हमारे मन में और हमारे अंदर बहुत सारी कमियां होती हैं, बहुत सारे अनर्थाज होते हैं। जैसे बद्ध जीव के हृदय में क्या है, काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह, मद, मात्सर्य आदि अनेक विकार होने के कारण जो है भगवान के स्वरूप का और उनके ज्ञान का हम अनुभव नहीं कर पाते हैं। हम भगवान को नहीं समझ पाते हैं, भगवान का अनुभव नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे हृदय में क्या है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य कई प्रकार के विकार भरे पड़े हैं, जिस कारण हम भगवान का दर्शन, भगवान के स्वरूप का अनुभव नहीं कर पाते हैं। ये हमारी एक कमी है।
और जब तक जीव के हृदय में ये सब अनर्थ रहेंगे तब तक भगवान उसके हृदय में प्रकट नहीं हो सकते हैं। यानी ये जितने प्रकार के विकार या अनर्थ हैं ये जब तक हमारे हृदय में रहेंगे तब तक जो है हमारे हृदय में भगवान प्रकट नहीं होंगे। और अशुद्ध चित्त है यानी हमारा हृदय अभी निर्मल नहीं है, ये सब गंदगियां हमारे हृदय में भरी पड़ी हैं। तो जब तक हमारा शुद्ध चित्त या हमारा हृदय जब तक शुद्ध नहीं होता है तब तक हम अपने सुख की ही कामना करते हैं, अपने सुख से संबंधित भोग वासनाएं की ही कामना करते हैं। यानी भगवान कृष्ण की सेवा करने की जो भावना है, जो इच्छा है, उसका हमारे हृदय में संपूर्ण रूप से अभाव रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि हमारा हृदय, हमारा मन क्या है, अभी कलुषित है अनर्थों से, इन सब प्रकार के विकारों से। तो इस प्रकार हम अशुद्ध हृदय से, अशुद्ध मन से केवल अपने भोग वासनाओं की ही कामना करते हैं। और जो सामान्यतः हम जैसे बद्ध जीव होते हैं वो भगवान कृष्ण की सेवा की तुलना एक सामान्य सांसारिक व्यक्तियों की सेवा से करता है। वो सोचता है कि भगवान की सेवा करो या जगत की सेवा करो, बात तो एक ही है, किसी की भी सेवा करो। इसलिए लोग ऐसे ऐसे सिद्धांत बनाते हैं, नर सेवा ही नारायण सेवा है, मानव सेवा ही माधव सेवा है, सबको एक जैसा समझते हैं। क्यों? क्योंकि उसके हृदय में क्या है, गंदगियां भरी है, अभी हृदय शुद्ध नहीं है। तो अशुद्ध हृदय वाले लोग जो हैं भगवान कृष्ण की सेवा की तुलना सामान्य सांसारिक व्यक्तियों की सेवा से करते हैं। और ऐसी अवस्था में जो संसारिक जीव है वो इस बात से जो है हमेशा अनजान रहता है कि कृष्ण की सेवा में कितना आनंद है, इस विचार को वो नहीं समझ पाता है। भगवान कृष्ण की सेवा में अनंत आनंद है, इस विचार को एक कलुषित हृदय वाला व्यक्ति, एक सांसारिक व्यक्ति, भौतिकता में डूबा हुआ व्यक्ति इस विचार को नहीं समझ पाता है कि भगवान कृष्ण की सेवा में कितना आनंद है। तो ये बद्ध जीव, एक संसार में फंसे हुए जीव के हृदय की ये कमियां हैं। अब इतनी सारी कमियां अगर हमारे हृदय में रहेंगी, जो आपको हमने दिखाया, इतनी सारी कमियां अगर हमारे हृदय में रहेंगी तो भगवान उस हृदय में कभी नहीं आएंगे। तो इन सब को साफ करना ही क्या है, गुंडीचा मंदिर का वास्तविक तात्पर्य है। यानी अपने हृदय रूपी मंदिर में जो इतने प्रकार के गंदगियां भरी है, कूड़ा कंकड़ पत्थर भरे हैं, इनको साफ करना होगा, तब भगवान जगन्नाथ जी आपके हृदय रूपी मंदिर में क्या होंगे, विराजमान होंगे। तो गुंडीचा मंदिर का जो वास्तविक तात्पर्य यही है कि भगवान श्री कृष्ण की सेवा में क्या है, अनंत अपार आनंद है। और वह आनंद जगत में अपने पति पत्नी पुत्र परिवार वालों की सेवा से प्राप्त आनंद से अनंत गुना अधिक है। भगवान कृष्ण की सेवा का जो आनंद है वो पति पत्नी पुत्र परिवार वालों की सेवा से प्राप्त जो आनंद मिलता है उससे अनंत गुना अधिक है, आप कल्पना भी नहीं कर सकते हो। जगत वासियों की अगर आप सेवा करते हो, पति पत्नी परिवार पुत्र जिनकी भी आप सेवा करते हो, उसमें थोड़ा बहुत आनंद मिलता है लेकिन ज्यादा नहीं मिलता है, या उल्टा दुख ही मिलता है। अपने परिवार के लोग ही हमको ज्यादा कष्ट देते हैं, लेकिन भगवान की सेवा का आनंद, भक्ति का आनंद बहुत ऊंचा है और वह आनंद बढ़ते जाता है, वो घटता नहीं है। आनंदम बुद्धि वर्धनम, भगवान की सेवा का, भगवान की भक्ति का आनंद बढ़ते जाएगा। इसीलिए भगवान कृष्ण के जो गोलोक धाम है वहां प्रेम का एक अथाह सागर है, ऐसा प्रेम का सागर है जिसका कोई और छोर नहीं है।
कोई अंत नहीं है भगवान के चिन्मय धाम गोलोक वृंदावन में, और उसी प्रेम को अपने हृदय में जागृत करने के लिए हृदय को उन अनर्थों से मुक्त कर शुद्ध करना पड़ेगा जिन अनर्थों को अभी हमने आपको गिनाया, काम क्रोध लोभ ईर्ष्या द्वेष माच्छर्य 10 प्रकार के नामा अपराध, सेवा अपराध, धाम अपराध, वैष्णव अपराध, ये सब क्या है, अनर्थ है। इन सब से मुक्त करना पड़ेगा अपने हृदय को, तब जो है भगवान जगन्नाथ जी हमारे हृदय में आएंगे, तब हम गोलोक वृंदावन के उस प्रेम को अपने हृदय में जागृत कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हृदय को जब निर्मल करेंगे, शांत करेंगे, भक्ति से उज्जवल करेंगे, तभी तो जगन्नाथ जी हमारे हृदय में आएंगे, नहीं तो कैसे आएंगे। हृदय को अगर हृदय में अगर कांटे युक्त तिनके, धूल कंकण आदि जितने प्रकार के अनर्था हैं, कांटे युक्त तिनके, धूल कंकण आदि रूप अनर्थ यदि कुछ मात्रा में भी रहेंगे, तो जो हमारे परम सेव्य भगवान हैं, वो कभी उस हृदय में नहीं आएंगे। तो गुंडीचा मंदिर का यही तात्पर्य है कि गुंडीचा मंदिर मार्जन यानी साधक के हृदय मार्जन का ही प्रतीक है। साधक के हृदय में ये सब अनर्थ रहेंगे जब तक, तब तक भगवान जगन्नाथ जी नहीं आएंगे। उस गुंडीचा मंदिर की सफाई तो भगवान चैतन्य महाप्रभु ने किया, और वहां जगन्नाथ जी भी आएंगे, और स्वयं चैतन्य महाप्रभु का हृदय भी जो है परम निर्मल और शुद्ध है, और उस हृदय में भगवान साक्षात विराजमान है। लेकिन जगतवासियों को शिक्षा देने के लिए चैतन्य महाप्रभु ने ये गुंडीचा मंदिर मार्जन की लीला किया है, पर गुंडीचा मंदिर का तात्पर्य है साधक के हृदय को साफ करना। तो चैतन्य महाप्रभु हमको यही शिक्षा दे रहे हैं, और जिसका हृदय निर्मल होगा, जिसका हृदय जो है स्वच्छ होगा, उसी हृदय में भगवान आएंगे। इसीलिए राधा रानी के हृदय में, राधा रानी के मन में, राधिका जी के संग में हमेशा भगवान रहते हैं, उनके संग में। क्यों? क्योंकि उनका हृदय क्या है, वृंदावन है। जैसे चैतन्य महाप्रभु है, उनका हृदय वृंदावन है, तो ऐसे वृंदावन जिसका हृदय बनेगा वहां कृष्ण आते हैं। तो जब तक ये अनर्थ रहेंगे तब तक भगवान नहीं आने वाले हैं। हृदय का मल अथवा अनर्थ क्या है, और अगर इसको विस्तार से समझें, तो शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी ने इसको बड़े विस्तार से समझाया है इन चीजों को। अभी तक जो मैंने बोला आप लोगों को समझ में आया कि ये ऐसे बोला जा रहा हूं मैं, हमें तो पता नहीं चल रहा है समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा लोग, आप लोग कोई बताएंगे तो अच्छा रहेगा। हरी बोल। आ रहा समझ में ना, सरल भाषा में बताने का प्रयास कर रहा हूँ। आ रहा है प्रभु जी, आ रहा है, आ रहा है। तो हृदय का मल अथवा अनर्थ क्या है, ये है शुद्ध भक्ति के अतिरिक्त किसी भी प्रकार की अन्य अभिलाषाएं करना और कोई इच्छा करना, ये क्या है, एक प्रकार का अनर्थ है हमारे हृदय का। यानी भगवान की शुद्ध भक्ति के अतिरिक्त कोई भी अन्य अभिलाषा करना, ये क्या है, महान अनर्थ है हमारे हृदय का, मल है, मल अनर्थ। और कर्म ज्ञान योग आदि की इच्छाएं करना, उनकी चेष्टाएं करना, ये भी क्या है, मल है, ये भी अनर्थ है। इसलिए रूप गोस्वामी जी ने कहा शुद्ध भक्ति के विषय में कि अन्य अभिलाषता शून्यम ज्ञान कर्माद्यनावृतम आन पुल्लेन कृष्णा अनुशीलनम भक्तिर उत्तमा, कि शुद्ध भक्ति किसको कहते हैं, अन्य अभिलाषता शून्यम यानी भगवान कृष्ण के अतिरिक्त और कोई अभिलाषा ना हो, और ज्ञान कर्म आदि
से मिश्रित ना हो भक्ति, शुद्ध हो, निर्मल हो। ऐसी भक्ति क्या है? उत्तमा भक्ति है, शुद्ध भक्ति है। कर्म का मिश्रण, ज्ञान का मिश्रण, योग का मिश्रण ना हो उस भक्ति में। तो और कृष्ण का अनुकूलन, अनुकूल भाव से कृष्ण की सेवा जिसमें की जाती है वो क्या है? शुद्ध भक्ति है, वो उत्तमा भक्ति है। रूप गोस्वामी जी ऐसा वर्णन करते हैं भक्ति रसामृति सिंधु में। तो चैतन्य महाप्रभु ने जगन्नाथपुरी में रहकर गुंडीचा मंदिर का मार्जन किया। उस मंदिर के अंदर क्या क्या मिले? कांटे मिले, तृण, तृण कांटे, ये सब मिले। तो चैतन्य महाप्रभु द्वारा तृण को साफ करने का क्या अर्थ है? इसके लिए भक्ति सिद्धांत जी कहते हैं चैतन्य महाप्रभु ने तृण को साफ किया, यानी कांटे को साफ किया सबसे पहले। तो कांटे को साफ करने का मतलब है अन्य अभिलाष, यानी उन्होंने पहले अन्य अभिलाष को साफ किया। अन्य अभिलाष क्या है? अन्य अभिलाष का मतलब है कि जब तक मैं इस जगत में रहूंगा केवल अपनी इंद्रियों की या अपने इंद्रियों के भोगों में ही रत रहूंगा, इस प्रकार की अभिलाषा ही क्या है? अन्य अभिलाष है। इस प्रकार की अभिलाषा क्या है? अन्य अभिलाष, मतलब जो भी करूंगा अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए करूंगा, अपने भोगों के लिए करूंगा। इस प्रकार की हृदय में इच्छाएं रखना, इंद्रिय तृप्ति की भावनाएं रखना, ये सब क्या है? अन्य अभिलाष है। जब तक यह कांटे युक्त तृण के समान जीव के सुकोमल हृदय के भावों को छेदन करती रहती है, यानी जब तक ऐसी वासनाएं, ऐसी भावनाएं हमारे हृदय में रहेगी, अन्य अभिलाष भावनाएं रहेंगी, तो यह क्या है? कांटे के समान है, कांटा। और ये क्या करेगा? हमारे सुकोमल निर्मल हृदय के भावों को बार बार छेदन करता रहेगा। इतना ये खतरनाक है, ये वासनाएं, अन्य अभिलाष होना बहुत खतरनाक है। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु ने इस कांटों के ही उखाड़ के फेंक दिया, पहले इसकी सफाई किया गुंडीचा मंदिर में, यानी अन्य अभिलाष को पहले साफ करो, नहीं तो आपके सुकोमल हृदय को ये बार बार छेदता रहेगा, बार बार छेदता रहेगा। इससे क्या होगा कि आप जो है और इस संसार में फंसते जाएंगे। और दूसरा, चैतन्य महाप्रभु के द्वारा धूल को भी साफ किया गया उस मंदिर में। तो धूल को साफ करने का जो अर्थ किया श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद ने, वो है कर्म चेष्टा, यानी सकाम कर्म। और वो कर्म क्या है? यज्ञ करना, दान करना, तपस्या करना, यानी सामान्य यज्ञ करना, दान इत्यादि करना, तपस्या भी कर लेना। किसके लिए करना? कि मैं यज्ञ दान तपस्याएं करूंगा, धार्मिक कार्य करूंगा, स्वर्ग लोक जाऊंगा और उससे भी ऊंचे लोक में अनेक सुख प्राप्त करूंगा, या इस जगत में सुख भोगूंगा। ऐसी जो वासना वही मई चेष्टा है हृदय में, जो ऐसी इच्छाएं हैं वो क्या है? धूल के समान है। यानी कोई व्यक्ति यज्ञ दान तपस्या कुछ भी कर रहा है, पुण्य कार्य, धर्म का कार्य, लेकिन किन भावनाओं को लेकर कर रहा है? हृदय में उसकी कैसी वासना है, कैसी इच्छाएं हैं इन कार्य को करने के पीछे? स्वर्ग जाऊंगा, उच्च लोक में जाऊंगा और खूब भोग करूंगा, संसार में मुझे बहुत ऐश्वर्य मिलेगा, सुख सुविधाएं मिलेंगी, इसलिए थोड़ा दान पुण्य कर लेता हूँ, तपस्या कर लेता हूँ, यज्ञ इत्यादि कर लेता हूँ। इस भावना से अगर वह ये सब कार्य कर रहा है, ये कर्म योग या सकाम कर्म इत्यादि कर रहा है, तो वो सब क्या है? धूल के समान है। उनकी तुलना धूल से किया गया। और जब ऐसे कर्म रूपी बवंडर, यानी इस प्रकार के जो पुण्य कर्म रूपी बवंडर है, ऐसी इच्छा रूपी धूल या वासना रूपी धूल हमारे स्वच्छ और निर्मल हृदय रूपी दर्पण को क्या कर देते हैं? ढक देते हैं। बिल्कुल स्वच्छ निर्मल हृदय को ढक देगा। धूल अगर शीशे में लग जाए तो आपका, आप उसमें अपना दर्शन नहीं कर सकते हो, आप उसमें खुद को नहीं देख सकते हो, क्योंकि धूल से दूषित हो गया पूरा दर्पण।
तो कर्म रूपी बवंडर ने अनेक ऐसी सुख भोग इच्छा रूपी वासनाओं ने, ऐसी जो धूल है, सुख भोग इच्छा रूपी वासना रूपी जो धूल है, इसने क्या कर दिया है, हमारे स्वच्छ निर्मल हृदय रूपी दर्पण को ढक दिया है। तो ये बहुत खतरनाक है, इसको साफ करना आसान नहीं है, लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने इस धूल को साफ किया। और हम लोग इसको कैसे साफ कर सकते हैं, चेतो दर्पण मार्जनम। श्रील प्रभुपाद जी अपने चैतन्य चरितामृत के उस अध्याय के अंतर्गत तात्पर्य में ये वर्णन करते हैं कि चेतो दर्पण मार्जनम, यानी भगवान के नाम लेकर उनकी कथा सुनकर हम इस वासना रूपी सुख भोग इच्छा रूपी धूल को हम क्या कर सकते हैं, हमेशा के लिए साफ कर सकते हैं। तो ये भी बहुत खतरनाक है। और जिसके हृदय में ऐसी धूल जम जाती है, वो सही और गलत कर्मों के जो इच्छाएं रूपी असंख्य धूलिकण अगर ऐसे बद्ध जीव के हृदय को क्या कर देती है, जन्म जन्मांतर तक मलिन कर देती है। सही गलत व्यक्ति पाप पुण्य कर्म करते रहेगा, बिना कर्म के तो व्यक्ति रह नहीं सकता है। सही कर्म करेगा, गलत कर्म करेगा, तो सही और गलत कर्मों की जो वासनाएं हैं हृदय में, जो इच्छाएं हैं, ये असंख्य धूली कण के समान क्या करते हैं, एक बद्ध जीव के हृदय को जन्म जन्मांतरों तक मलिन कर देते हैं। क्योंकि हमने कई जन्मों तक असंख्य पुण्य कर्म किए, पाप कर्म किए, तो वो क्या हो गए, धूली कण के समान हमारे हृदय में क्या हो गए, जम गए हैं, और इस प्रकार हृदय को मलिन कर दिया है। तो बड़ा मुश्किल है फिर हम वास्तविकता को समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि धूल के द्वारा, कर्मों की वासनाओं के द्वारा हमारे हृदय को ढक दिया गया है, तो फिर हम अपने वास्तविक स्वरूप को नहीं देख सकते हैं। अगर शीशे में अगर धूल जम जाए तो आप अपने स्वरूप को उसमें नहीं देख पाओगे। उसी प्रकार हृदय रूपी दर्पण में अगर ये सब वासनाएं रूपी धूल जम जाएगी, कर्म रूपी, ज्ञान रूपी जो वासनाएं हैं, और सही गलत पाप पुण्य कर्म रूपी जो वासनाएं हैं, सुख भोग की जो वासनाएं हैं, वो सब अगर हृदय में जम जाएगी, तो फिर हम अपने स्वरूप को नहीं समझ पाएंगे। और इस प्रकार जो बद्ध जीव होता है वो क्या सोचता है कि बद्ध जीव की जो कर्म वासना है वो क्या है, दूर नहीं हो पाती है, वो यही सोचता है कि कर्म के द्वारा ही जो है कर्म बंधन के फल को काटा जा सकता है। यानी बद्ध जीव सोचता है कि पुण्य कर्म करूंगा तो पाप कार्य या बुरे कर्म या कर्म का जो फल है वो नष्ट हो जाएगा, ऐसा एक संसारिक जीव समझता है या सोचता है। जबकि वास्तव में ऐसा है नहीं, क्योंकि पुण्य कर्म करने से जो है पाप कर्म कभी नष्ट नहीं होंगे। बद्ध जीव यही सोचता है कि कर्म करने से ही जो है कर्म के जो बुरे फल हैं वो नष्ट हो जाएंगे, ऐसा सोचता है, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। यदि हम अपने बुरे कर्मों को हमेशा के लिए नष्ट करना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा, हमको हमको भगवान की भक्ति करनी पड़ेगी, उनके नामों का जप करना पड़ेगा, कीर्तन करना पड़ेगा, तब जो है हम इन सही और बुरे कर्मों के फल से हमेशा के लिए मुक्त हो पाएंगे। लेकिन अगर हम सोचें कि नहीं, पुण्य कर्म करने से जो है कर्म करने से कर्म फल का नाश होगा, ये संभव नहीं है। अगर वो ऐसा करेगा तो एक नया कर्म बनाएगा और इससे क्या होगा, वो और फंसता जाएगा और अपने वास्तविक स्वरूप को जागृत करने से वंचित हो जाएगा। जैसे कोई अग्नि को, जैसे अग्नि को कभी भी जो है हम घी के द्वारा नहीं बुझा सकते हैं, उसी प्रकार
कर्म के द्वारा कर्म की वासना को भी कभी दूर नहीं किया जा सकता है, यानी कर्म के द्वारा कर्म फल के जो बंधन है, जो बुरे कर्म है, अच्छे कर्मों का जो फल है, वो हम कर्म के द्वारा दूर नहीं कर सकते हैं। जैसे अग्नि को कभी भी हम घी के द्वारा नहीं बुझा सकते हैं। तो कर्मों के बंधन से मुक्त होने का क्या उपाय है, अच्छे बुरे कर्मों से कैसे मुक्त हुआ जाए जिससे हम इस संसार के चक्र से छूट जाएं? तो एकमात्र भगवान की शुद्ध भक्ति के द्वारा ही जो है जीवात्मा ये समस्त जो भौतिक इच्छाएं हृदय में सुख भोगने की और भौतिक कामनाओं की जो इच्छाएं हैं या भौतिक कर्म बंधन से वो हमेशा के लिए दूर हो सकता है, अगर कोई व्यक्ति भगवान की शुद्ध भक्ति करेगा तो। और ऐसा करने से क्या होगा, शुद्ध भक्ति करने से उसका भौतिक कर्म बंधन दूर होगा और हृदय में जो स्वसुख की वासनाएं हैं, जो इंद्र तृप्ति की वासनाएं हैं, वो क्या होंगी, सिंहासन पर भगवान स्वयं विश्राम करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। जिसका हृदय ऐसा निर्मल बनेगा वहीं भगवान आएंगे। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? आ रही है प्रभु जी, आ रही है। इसीलिए नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं कि तुम्हार हृदय सदा गोविंद विश्राम, कि जो भक्त होते हैं उनके हृदय में सदा गोविंद विश्राम करते हैं। जैसे कहीं पर कंकण पत्थर कांटे हो, धूल धक्कड़ हो और पत्थर हो, कंटरीले पत्थर हो और धूल हो, कंकण पत्थर हो, तो उस स्थान में आप न बैठ सकते हैं, न विश्राम, न आप शयन कर सकते हैं। तो आप उस स्थान को पहले साफ करेंगे, आराम से बढ़िया सा आप कोमल कोमल गद्दा बिछाएंगे, तब जो है आप उसमें आराम से बैठ भी सकते हैं और विश्राम भी कर सकते हैं। इसी प्रकार जब हृदय में ये संसारिक भौतिक भोग रूपी कामनाएं, ये कंकड़ पत्थर और स्वर्ग भोग की कामनाएं ये सब बनी रहेंगी, ये सब क्या है, कंकड़ कांटे पत्थर के समान है, धूल के समान है। ऐसे गंदे हृदय में भगवान कैसे विश्राम करेंगे और कैसे विराजमान होंगे? नरोत्तम दास ठाकुर तो कहते हैं तुम्हारे हृदय सदा गोविंद विश्राम, कि आप भक्तों के हृदय में तो गोविंद का विश्राम होता है, लेकिन जिनका हृदय निर्मल हो गया है, जिनका हृदय अनर्थों से मुक्त हो गया है, जिन्होंने अपने हृदय को अच्छे से साफ कर लिया है, बिल्कुल क्लीन साफ कर दिया, जहां कोई अनर्थ नहीं है, कोई भौतिक वासना नहीं है, काम क्रोध लोभ ईर्ष्या द्वेष नहीं है, निर्मल हृदय है, स्वच्छ हृदय है, ऐसे हृदय में भगवान स्वयं आते हैं और आराम से विश्राम करते हैं। तो यही रहस्य है, अगर कोई अपने हृदय में भगवान को लाना चाहता है। और चैतन्य महाप्रभु ने कंकण को भी साफ किया, ज्ञान योग आदि की चेष्टाएं हैं ये, यानी जब तक हृदय में ये कामना रहेगी, निर्विशेष ज्ञान योग सिद्धियों की कामना रहेगी हृदय में, तो तब तक भगवान को प्रसन्न नहीं कर सकते हैं। या निर्विशेष ज्ञान के द्वारा, सिद्धियों के द्वारा भगवान की संतुष्टि तो संभव नहीं है, उनकी संतुष्टि तो दूर की बात है, उल्टा यह भगवान के शरीर में कांटा चुबाने के समान है ये सब चीजें। ऐसा शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद वर्णन करते हैं। क्यों? क्योंकि ज्ञानी और योगी क्या होते हैं, अपने साधन की अवस्था में तो भगवान का नाम रूप सब मानते हैं, लेकिन जैसे ही वो अपने आप को मुक्त समझने लगते हैं, मुक्त तो फिर वो भगवान है। अब सोचता है कि अब कोई भगवान का स्वरूप नहीं है, कोई जो है उनका नाम नहीं है, भक्ति की महिमा को नहीं समझते, उसको काल्पनिक मानते हैं। तो
तो ये एक प्रकार से अपराध है और इससे भगवान संतुष्ट नहीं होते हैं। मानो वो ऐसा करते हैं जैसे कोई भगवान के दिव्य शरीर में कांटा चुबाने का प्रयास कर रहा हो। उनकी ये ऐसी चेष्टाएं हैं, ऐसी भावनाएं हैं। और भगवान ऐसे अभागे लोगों पर कभी कृपा नहीं करते हैं, क्योंकि ये भगवान के स्वरूप की महिमा को, भगवान के नाम की महिमा को, भगवान की भक्ति की महिमा को नहीं समझते हैं। ये भी क्या कंकण के समान है, कंकण चुभता है तो ये भी चुभते हैं, कांटे के समान है ये, इसीलिए ये भी नहीं। तो इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु ने कंकड़, तृण, धूल इन सब की अच्छे से सफाई किया है गुंडीचा मंदिर में, इसीलिए उन्होंने इनको दोबारे अपने उत्तरीय में रखकर कंकड़, धूल और ये जितने तृण हैं इनको अच्छे से उठा के बहुत दूर फेंक दिया ताकि ये उड़ के दोबारे अंदर ना आए। तो ये चैतन्य महाप्रभु ऐसे अपने हृदय को स्वच्छ कर रहे हैं। तो इसके अलावा भी जो है ये सब विचार हैं बहुत सारे, इसमें और भी कई भाव हैं, लेकिन समय की अपनी मर्यादा है तो मैं एक और विचार छोटा सा बोलूंगा श्रील प्रभुपाद जी के विषय में, क्योंकि कल जगन्नाथ रथ यात्रा है और इस्कॉन के मंदिर बहुत भाग्यशाली हैं जहां पर जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा, सुदर्शन जी विराजमान हैं। वे लोग बड़े भाग्यशाली हैं, उनको जगन्नाथ जी का दर्शन मिलता है। शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी की एक इच्छा थी, उन्होंने यह इच्छा 19 मई 1934 को जो है अलारनाथ, जो जगन्नाथपुरी में ही पड़ता है, अलारनाथ में उन्होंने कहा था कि उन्होंने शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी ने, उनकी एक बहुत तीव्र इच्छा थी, ये 1934 में उन्होंने कहा था अपने प्रवचन में। क्या कहा था उन्होंने, उन्होंने कहा था हमें भगवान जगन्नाथ को हवाई जहाज में बैठाकर ईस्टबोर्न तथा लंदन में ले जाना चाहिए। ये शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी की इच्छा थी, उन्होंने यह इच्छा अलारनाथ में 1934 में प्रकट किया था कि हम लोगों को भगवान जगन्नाथ जी को हवाई जहाज में बैठा कर लंदन ले जाना चाहिए। उन्होंने ये वचन कहे अपने प्रवचन में, और उन्होंने उसी प्रवचन में आगे कहा था कि भगवान जगन्नाथ संपूर्ण जगत के स्वामी हैं और अपने नाम के अनुसार उनकी कृपा पर पूरे संसार का अधिकार है। भगवान जगन्नाथ जी का नाम ही जो है उनके नाम के अनुसार है, सारे जगत के वासी क्या हैं, उनके कृपा के अधिकारी हैं। और दूसरे शब्दों में अगर कहें तो उन्होंने यही कहा कि जगन्नाथ जी के विग्रहों को भारत की सीमाओं से बाहर ले जाया जाए, यानी लंदन, विशेषकर उन्होंने लंदन का जिक्र किया। और ऐसा उन्होंने क्यों कहा, उन्होंने इसलिए कहा क्योंकि भगवान जगन्नाथ क्या है, दीनहीन पतितों का उद्धार करते हैं और दीनहीन पतितों के उद्धार के लिए बड़े विख्यात हैं जगन्नाथ देव, इसलिए उनका नाम क्या है, पतित पावन है। शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी कहते हैं कि जो पश्चिमी जगत के लोग हैं वे लोग सनातन शिक्षाओं से, वैष्णव की शिक्षाओं से क्या है, अनभिज्ञ हैं, यानी अनजान हैं। और भगवान जगन्नाथ जी उन पर क्या करेंगे, बहुत जल्दी कृपा करेंगे, भगवान जगन्नाथ जी की कृपा का वो लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए भगवान जगन्नाथ जी को जो है पश्चिमी देश में, विशेषकर लंदन में जाना चाहिए, ये शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी की हार्दिक इच्छा थी और उन्हीं के ही सुयोग्य शिष्य शिला भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद, जो इस्कॉन के संस्थापक आचार्य हैं, उन्होंने उनकी इस
हृदय की तीव्र इच्छा को पूरा किया और शिला भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी इस बात का जिक्र करते हैं अपने एक पत्र में। उन्होंने 1970 में एक पत्र लिखा था, शिला भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी ने किनको लिखा था, जो गीता प्रेस के जो संस्थापक थे श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी, उनको एक पत्र लिखा था उन्होंने बहुत लंबा। उसमें इस बात का जिक्र करते हैं शिला प्रभुपाद जी, वे कहते हैं इस्कॉन मंदिरों में जगन्नाथ स्वामी के साथ श्री बलराम एवं सुभद्रा देवी की मूर्तियों की पूजा अर्चना की जाती है। कई स्थानों पर राधा कृष्ण की सेवा भी होती है। मंदिर आरंभ करते समय हम सर्वप्रथम जगन्नाथ स्वामी की शिला प्रभुपाद यहाँ पर इस बात का जिक्र करते हैं जो शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी ने कहा था अलारनाथ में 1938 में। तो शिला प्रभुपाद जी जो है क्या लिखते हैं, मेरे गुरु महाराज ने इन देशों के लिए यानी पाश्चात्य देशों के लिए जगन्नाथ जी की सन स्तुति की थी, इसलिए मैंने सर्वप्रथम जगन्नाथ जी की ही स्थापना की, क्योंकि वे मलेच्छों के प्रति अत्यंत दयालु होते हैं। इसके बाद सुविधा प्राप्त होने पर मैंने राधा कृष्ण की मूर्तियों की स्थापना की। शिला प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि मेरे गुरु महाराज की हार्दिक इच्छा थी कि पश्चिमी देशों में भगवान जगन्नाथ जी की स्थापना हो। ये 4 फरवरी 1970 को जो है हनुमान प्रसाद पोद्दार जी को शिला प्रभुपाद जी पत्र में ये सब जिक्र करते हैं। तो ये शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी की इच्छा को शिला प्रभुपाद जी ने इस्कॉन के जो संस्थापक आचार्य उन्होंने पूरा किया, और हम लोग भाग्यशाली हैं कि ऐसे महान आचार्यों की परंपरा में हम लोगों को जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और चैतन्य महाप्रभु और उनके अनुगत जितने वैष्णव जन हैं उनके संप्रदाय में हमको आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो इस प्रकार भगवान चैतन्य देव ने गुंडीचा मंदिर मार्जन किया, फिर अंत में उन्होंने फिर सब भक्तों के लिए प्रसादम की व्यवस्था भी करवाई और सबको अच्छा अच्छा प्रसाद खिलाने के लिए भी उन्होंने आदेश दिया, और स्वयं के लिए जो है सिंपल प्रसाद की मांग की चैतन्य महाप्रभु जी ने। और इस प्रकार प्रसाद वितरण होता है, और प्रसाद वितरण में जो है विशेषकर स्वरूप दामोदर जगन पंडित इत्यादि अनेक भक्तों ने जो है प्रसाद की सेवा किया। ये बड़े उच्च कोटि भक्त थे और विशेषकर स्वरूप दामोदर महाप्रभु के अंतर्गत पार्षद थे। इतने श्रेष्ठ व्यक्ति प्रसाद सेवा कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यही शिक्षा देना चाहते हैं कि प्रसाद की सेवा जो है निम्न व्यक्तियों को नहीं करना चाहिए, सामान्य कर्मी लोगों को प्रसाद सेवा नहीं करना चाहिए। जो उच्च कोटि के भक्त हैं, जिनका हृदय निर्मल है, जिनका हृदय स्वच्छ है, ऐसा व्यक्ति प्रसाद सेवा करे। क्यों? क्योंकि प्रसाद सेवा करते समय उसकी चेतना भी उसमें प्रवेश करती है। तो इसीलिए जो शुद्ध भक्त हैं, जो उन्नत भक्त हैं, ऐसे लोग अगर प्रसाद सेवा करते हैं तो उससे क्या होगा, दूसरों का हृदय भी क्या होगा, परिवर्तन होगा। जो प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं उनका हृदय परिवर्तन होगा। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु ने स्वरूप दामोदर जगदानंद पंडित इत्यादि जो महान भक्त हैं उनसे प्रसाद सेवा के लिए कहा, या उन्होंने प्रसाद सेवा किया। और कैसे किया, छल और बल से किया। स्वरूप दामोदर जी ने छल से किया और श्री जगदानंद पंडित जी ने बल से किया प्रसाद सेवा। सब लोग एक साथ बैठे हैं, सब लिए थालियां लगाई गई हैं, सब में अच्छे अच्छे पकवान डाले जा रहे हैं, और चैतन्य महाप्रभु जी भी बैठे हैं प्रसाद ग्रहण करने के लिए, और स्वरूप दामोदर
अच्छे अच्छे पकवान, मीठा या अन्य पकवान थाली में परोस आ रहे हैं, डालते जा रहे हैं, और अचानक महाप्रभु की थाली आती है, उसमें जो है कुछ मीठा या कुछ अच्छा व्यंजन डाल देते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु स्वरूप दामोदर वो कहते हैं कि तुम मेरी आज्ञा का उल्लंघन क्यों कर रहे हो, मैंने तो अपने लिए सरल और सादा भोजन मंगाया है, सिंपल प्रसाद में ग्रहण करूंगा, सामान्य सरल प्रसाद में ग्रहण करूंगा, और आप मुझे अच्छे अच्छे व्यंजन प्रसाद क्यों दे रहे हो। तो सरो दामोदर कहते हैं, प्रभु मैं इतना प्रसाद बांटने में इतना आविष्ट हो गया कि मुझे पता चला कि आपका थाली भी आ गया है। छल से जो है सरो दामोदर महाप्रभु को अच्छा भोजन खिलाना चाह रहे हैं, और आप ही ने तो प्रसाद की महिमा गाई है, जगन्नाथ जी का प्रसाद है, आप इसको ग्रहण कीजिए। तो चैतन्य महाप्रभु फिर उस प्रसाद को ग्रहण करते हैं, और जगदानंद पंडित बल के द्वारा सेवा कर रहे हैं, सब भक्तों को प्रसाद बांट रहे हैं, और चैतन्य महाप्रभु जी के थाली में भी अच्छे अच्छे व्यंजन डालते हैं, डाल के खड़े हो जाते हैं। अब चैतन्य महाप्रभु जगदानंद पंडित को कुछ बोल नहीं पाते हैं, उनसे भयभीत रहते हैं कि कहीं ये रुष्ट ना हो जाए, और अगर मैं इसको ग्रहण नहीं करूंगा तो ये उपवास करेगा, ये फिर नाराज हो जाएगा, ये फिर भोजन प्रसाद ग्रहण नहीं करेगा। तो चैतन्य महाप्रभु फिर डर से भय से जो है फिर उस प्रसाद को ग्रहण करते हैं। तो बलपूर्वक जो है जगदानंद पंडित महाप्रभु को प्रसाद सेवन करा रहे हैं। तो ये सब विचार चैतन्य चरितामृत में बड़े विस्तार से कविराज गोस्वामी जी ने वर्णन किया है। तो समय की सीमा है, तो अब किसी का कोई प्रश्न हो तो आप लोग कर सकते हैं।